तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आप देख सकते हो कॉटन पैंट्स हैं, मल्टीपल इसमें कलर्स हैं। तो ये देखिए गाइस, सबसे पहले तो आप इसका लुक देख लीजिए, लुक तो गाइस इसका बहुत ही अमेजिंग। गाइस बैक लुक भी देखिए कितना सोबर लग रहा है, और ये सारे करंट स्टोर आर्टिकल्स हैं। लेकिन गाइस ई वार्डरोब आपको ये प्राइस, ये पैंट्स दे रहा है एकदम अनबिलीवेबल प्राइस में, वो है तो ये देखिए बारकोड वगैरह पूरा स्कैन हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ देखिए गाइस, टैग्स वगैरह एकदम इंटैक्ट है। ये वाला कलर देखिए यार, पेस्टल ग्रीन कलर है, लेकिन ये ग्रीन जो है ना ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ये एकदम ऑफ व्हाइट जैसा कलर है। हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल ई वार्डरोब। गाइस मैं प्रवीण आज कुछ और ही अमेजिंग कलेक्शन ले आया हूँ आप लोगों के लिए। भाई एक कमेंट्स आ रहे थे, वैसे तो सारे वीडियोस जो हैं आप लोगों के कमेंट के ऊपर ही बना रहा हूँ, क्योंकि वहीं से ही पता चलता है कि भाई सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट किस चीज की है। तो यार ये भी एक कमेंट आई थी कि कॉटन पैंट्स के ऊपर वीडियो बनाओ। तो भाई ब्रांड तो इंटरनेशनल है, ब्रांड तो बहुत ही अमेजिंग है, लेकिन क्वालिटी की अगर बात करें तो गाइज वन ऑफ द बेस्ट कॉटन पैंट्स मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। और स्टिच क्वालिटी से लेके जो फिटिंग है वो बहुत ही सही होने वाली है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आप देख सकते हो कॉटन पैंट्स हैं, मल्टीपल इसमें कलर्स हैं। गाइज एक चीज और बताना चाहूंगा, इसमें जो साइजेस हैं, वो हमारे पास थोड़ी असॉर्टमेंट में आई हुई है, तो आपको मेरी टीम को नीचे व्हाट्सएप करके बताना पड़ेगा कौन से कलर में कौन सी साइज आप वेयर कर रहे हो, तो वो चेक करके आपको बता देंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और दिखाता हूँ मैं आपको आर्टिकल। तो ये देखिए गाइज, सबसे पहले तो आप इसका लुक देख लीजिए, लुक तो गाइज इसका बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि फिट जो इसका आया है ना वो न ज्यादा लूज है न ज्यादा टाइट है, एकदम स्ट्रेट फिट और रिलैक्स्ड कॉटन पैंट्स हैं। तो भाई टी शर्ट्स के ऊपर पहन लो, या फिर पोलो नेक टी शर्ट्स के ऊपर पहन लो, शर्ट्स के ऊपर वेयर कर लो, या फिर अगर आप ऑफिस वगैरह भी वेयर कर रहे हो तो यार ये भी बेस्ट चीज है वेयर करने के लिए। तो आइए मैं आपको इसकी डिटेलिंग दे देता हूँ। तो गाइज सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ब्रांड टैग के साथ। तो टैग तो वगैरह यहाँ पे ऑरेंज एडिशन के ये मेरे पास चीनोज आए हुए हैं, कॉटन पैंट्स आए हुए हैं। तो ये देखिए बारकोड वगैरह पूरा स्कैन हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ देखिए गाइस, टैग्स वगैरह एकदम इंटैक्ट है। स्टिच क्वालिटी की अगर बात करूँ तो ये देखिए पूरा अंदर से ऑरेंज स्टिच किया हुआ है। वेल ये ऑरेंज स्टिच जो है आपको बाहर कहीं नहीं दिखेगा, लेकिन ये पूरा अंदर दिख रहा है आपको। ये देखिए पूरा जो यहाँ पे अगर फैब्रिक भी यूज किया है तो ये देखिए पूरा कॉटन फैब्रिक है, एकदम लिनन टाइप एक फैब्रिक है, थिक कॉटन है ये अंदर के पॉकेट्स की तरफ, ये देखिए। तो गाइस इसका जो लुक अगर मैं बात करूं तो लुक बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ पे देखिए फिट भी दिया हुआ है, तो गाइस यहाँ पे स्लिम फिट है, लेकिन ये एंकल कट नहीं है। तो एंकल कट जो रहता है उसकी लेंथ थोड़ी शॉर्ट रहती है, लेकिन ये एंकल कट नहीं है। तो साइज टैग वगैरह सब दिया हुआ है, मेड इन इंडिया है। ये बारकोड्स वगैरह सब स्कैन हो जाएंगे गाइस। इसके अलावा चलते हैं बटन्स की तरफ। तो ये देखिए बटन्स पे भी पूरी ब्रांडिंग की हुई है, और जिप क्वालिटी भी अगर देखें तो काफ़ी अमेजिंग जिप क्वालिटी है। तो गाइस ओवरऑल अगर देखा जाए, यहाँ देखिए गाइस प्रॉपर ब्रांडिंग के साथ है, बैक पॉकेटिंग पे पूरी ब्रांडिंग की गई है। तो ये देखिए पॉकेट्स वगैरह एकदम इंटैक्ट हैं गाइस। इसमें एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे कि ये चीनोज जो हैं ये पूरे एक्सपोर्ट क्वालिटी के हैं, तो यहाँ देखिए गाइस अब पॉकेट तो यहाँ पे इसको दिया हुआ है, लेकिन ये पॉकेट जो है वो सील्ड है। तो अगर आपको बैक पॉकेट यूज़ करना है तो आपको ये सील जो है वो ओपन करनी होगी। यहाँ से एक हल्का सा एक धागा है, सिर्फ उसको खींचना है और ये खुल जाएगा। तो ऐसे करके गाइस आपको ये बैक पॉकेट्स जो है यूज़ करने हैं। जैसे कि मैंने बताया ये एक्सपोर्ट क्वालिटी के पैंट्स हैं, तो ज़्यादातर बाहर के लोग जो है बैक पॉकेट यूज़ नहीं करते हैं ड्यू टू बैक पेन। तो गाइस यहाँ के बैक पॉकेट्स जो है इन पैंट्स के सील्ड है, अगर आपको ओपन करना है तो यहाँ पे एक थ्रेड दिया हुआ है, सिर्फ आपको वो थ्रेड को खोलना है और बैक पॉकेट अवेलेबल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देखिए पॉकेट ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पॉकेट जो है वो ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ से सिर्फ सील आपको ओपन करनी है। तो गाइस बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी के पैंट्स आए हुए हैं। साइजेस जो है इसमें सारे साइजेस अवेलेबल है, 30, 32, 34, 36, 38। इनफैक्ट कोई कोई कॉटन पैंट्स जिनकी हम लोगों ने वीडियोस भी नहीं बनाए हैं तो भाई उसमें 40, 42, 44 भी है। तो गाइस अगर आप वो ऑप्ट करना चाहो तो बेशक ऑप्ट कर सकते हो गाइस, बहुत सारे साइजेस इसमें अवेलेबल रहते हैं। गाइस अब बारी आती है लेंथ की, तो अगर आप यहाँ पे लेंथ देखोगे तो ये आपको एंकल कट लगेगा, लेकिन यहाँ देखिए ब्रांड की तरफ से जो है यहाँ पे कुछ फोल्ड दिए हुए हैं, तो मैं ये फोल्ड ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए एक फोल्ड,
ये दूसरा। तो गाइस ये दो फोल्ड जो है यहाँ पे किए हुए हैं, तो किसी को अगर ज्यादा बड़ी लेंथ चाहिए तो भाई बेफिक्र रहो, ये लेंथ जो है वो बड़ी हो जाएगी यहाँ पे, आपको सिर्फ फोल्ड ओपन करना है। और गाइस इसको नॉर्मली आप इसको आयन कर लीजिए तो इसका फोल्ड का रिंकल भी आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा। गाइस इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज इसकी ये बताना चाहूंगा, इसके वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस, कॉटन चीनोस है भाई, कड़ी धूप में तो आप इसको बिल्कुल भी नहीं सुखा सकते, क्योंकि अगर कड़ी धूप में आप सुखाओगे इसको तो ये कलर जो है इसके फेड होने के चांसेस हो जाते हैं। एंड गाइस वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस इसके ये हैं, ठंडे पानी में वॉश करिए और नॉर्मल सा डिटर्जेंट जो है इसका यूज करिए, तो ज्यादा कुछ तो इसमें करने की कोई आपको नीड नहीं पड़ेगी। बाकी अगर आप देखें तो टैग्स वगैरह सारे इंटैक्ट हैं, प्राइस टैग इस पे नहीं आया हुआ है, लेकिन गाइस बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी है, एक्सपोर्ट क्वालिटी के पैंट्स आए हुए हैं। तो ये है एक क्रीम कलर, इसके अलावा मैं आपको और भी कलर्स दिखा देता हूँ। वाह यार ये वाला देखिए गाइस, नेवी ब्लू कलर जो है, मतलब बहुत ही रिच लग रहा है इसके अंदर। फैब्रिक की अगर मैं बात करूँ, फैब्रिक क्वालिटी देखूँ तो यार यहाँ पे जो फील आ रहा है ये पूरा कॉटन पीच लाइक्रा फैब्रिक है, तो इसके अंदर गाइस एक हल्का सा स्ट्रेच रहेगा, ज्यादा स्ट्रेच ये बिल्कुल भी नहीं होते। तो भाई जो बेसिक वेयरिंग प्रिफर करते हैं या फिर कोई ऑफिस वगैरह के लिए अगर आप गाइस ये पैंट्स देख रहे हो तो भाई वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी है। और गाइस जो इसकी प्राइस होने वाली है वो तो अनबिलीवेबल है गाइस, वैसे तो मार्केट में इनकी प्राइस जो है वो 1500 से स्टार्ट होती है, लेकिन गाइस ई वार्डरोब आपको ये प्राइस ये पैंट्स दे रहा है एकदम अनबिलीवेबल प्राइस में, वो है 999, यानी कि 1000 रुपीज प्लस शिपिंग में ये कॉटन पैंट्स जो है आपके पास पहुंच जाएंगे। तो गाइस ये जो चीज है इसको आप बहुत ही लिमिटेड, मेरे पास आर्टिकल्स आए हुए हैं जिसका मैंने वीडियो बनाना बहुत जरूरी समझा। तो गाइस वीडियो में अगर आप देख रहे हो कोई भी कलर आपको पसंद आ रहा है तो गाइस उसका स्क्रीनशॉट लेना ना भूले। गाइस बैक लुक भी देखिए कितना सोबर लग रहा है, और ये सारे करंट स्टोर आर्टिकल्स हैं। गाइस ये देखिए ऑलिव ग्रीन कलर है, तो इसके कलर्स जो है ना वो सारे सटल है, मतलब आप कोई भी लाइट कलर की अगर आप ऊपर से शर्ट वगैरह वेयर कर रहे हो तो यार ये पहनने में बहुत ही सही लगेंगे। और जैसे कि यार इंडिया में अगर आप देखा जाए तो यार कुछ 8-9 महीने तो गर्मी रहती है, तो गाइस गर्मी में पहनने के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। गाइस ये वाला कलर देखिए यार, पेस्टल ग्रीन कलर है, लेकिन ये ग्रीन जो है ना ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ये एकदम ऑफ व्हाइट जैसा कलर है, पेस्टल शेड आया हुआ है, तो मिस करने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। गाइस फैब्रिक क्वालिटी अगर बात करूं तो वन ऑफ द बेस्ट फैब्रिक है इसका, ये देखिए स्लिम फिट चीनोज है ये, तो आपको ज्यादा इसमें अल्टर वगैरह करने की कोई नीड नहीं रहेगी। नेक्स्ट आर्टिकल दिखा देता हूँ गाइस, ऑल टाइम फेवरेट ब्लैक कलर, तो गाइस ब्लैक तो मतलब छोड़ने लायक बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप पैंट्स की बात करें और कॉटन पैंट्स की बात करें तो ब्लैक कलर तो वन ऑफ द बेस्ट है, और ये तो यार वार्डरोब में चाहिए ही हर किसी के, क्योंकि बहुत ही मल्टीपर्पज कलर है गाइस, किसी भी शर्ट के ऊपर किसी भी टी शर्ट के ऊपर चले जाते हैं, तो ब्लैक वगैरह तो जो है मिस बिल्कुल भी ना करें। इसके अलावा गाइस ये देखिए मिडनाइट ब्लू, गाइस मिडनाइट ब्लू जो है बहुत सही कलर है, बहुत ही रेयर कलर है, इसका फैन बेस भी कुछ बहुत ही डिफरेंट रहता है, ये आपको दिखने में काफी डल लगता है, इसके अंदर शाइन नहीं रहती है, लेकिन यार पहनने के बाद जो इस पे वेयरिंग में जो लुक आता है, यानी कि मैं आपको बता देता हूँ, एक जैसे कि अगर आपने ये चीनोस पहने, इसके ऊपर व्हाइट शर्ट पहने, आपने ब्राउन शूज पहनी है, ब्राउन बेल्ट पहन लिया, तो भाई बहुत ही अमेजिंग लुक आता है। तो गाइस मिस करने लायक बिल्कुल भी नहीं है ये सारे आर्टिकल्स। तो गाइस अगर आपको ये आर्टिकल्स पसंद आए हुए हो तो आप स्क्रीनशॉट लेके नीचे दिए हुए मेरे व्हाट्सएप के नंबर पर आप हमें प्लीज ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। गाइस इसके अलावा इंस्टाग्राम पे इसके डिटेल पिक्चर्स जो हैं वो भी अपलोडेड है, टेलीग्राम का चैनल जो है जरूर फॉलो करिए, क्योंकि सारे एक्सेसरीज जो है टेलीग्राम पे आ रहे हैं, यानी कि बेल्ट, वॉलेट, शूज, सनग्लासेस, वॉचेस, हैंडबैग्स, बैकपैक्स, बहुत सारी चीजें हैं, इनफैक्ट कपड़े भी सारे फोटोज जो हैं टेलीग्राम के चैनल पे हैं, तो गाइज उसको भी सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें। एंड गाइज अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो भाई कमेंट्स तो आप बहुत प्यारे कर ही रहे हो, इसके अलावा गाइज लाइक्स भी बहुत आ रहे हैं, लेकिन गाइज एक और रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि आप प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि गाइज आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। एंड गाइज यहां ऊपर आई बटन में आपको कल जो मैंने कार्गोस के ऊपर वीडियो बनाया था वो भी आपको लिंक जो है मैं शेयर कर लूंगा, इनकेस अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो वो भी आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो गाइस ये है आज की अमेजिंग कलेक्शन, मिस इसको बिल्कुल भी ना करें। कल फिर कुछ और नया ले आऊंगा और डिफरेंट ले आऊंगा, कमेंट करके जरूर बताइए। इन द मीनवाइल स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच।